उत्तराखंड में बाबा नीम करोरी महाराज की कई कथाएं प्रचलित हैं। लोगों के मुताबिक बाबा 1940 के आसपास उत्तराखंड के प्रवास पर थे। भवाली से कुछ किलोमीटर आगे जाने के बाद बाबा करोरी एक छोटी सी घाटी के पास रुके और सड़क किनारे पैरापेट पर बैठ गए। सामने पहाड़ी पर दिखाई दिए एक आदमी को उन्होंने आवाज़ दी, पूरन ओ पूरन, पूरन यहाँ आओ। पूरन नीचे आया और कम्बल लपेटे अजनबी से अपना नाम सुनकर अचंभित रह गया। अजनबी व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, अचरज मत कर, मैं तुझे पिछले कई जन्मों से जानता हूँ। मेरा नाम बाबा नीम करोरी है, हमें भूख लगी है, हमारे भोजन की व्यवस्था कर। पूरन ने घर जाकर अपनी माँ से बताया कि नीचे एक बाबा नीम करोरी बैठे हैं और भोजन मांग रहे हैं। घर में दाल रोटी बनी थी, पूरन की माँ ने वही परोस दिया। बाबा ने भोजन के बाद पूरन से गांव के दो तीन लोगों को बुलाकर लाने को कहा। बाबा उन सबको लेकर नदी के पार जंगल में गए और उनसे एक जगह को खोदने को कहा। बाबा ने कहा, पत्थर को खोदो, यहाँ गुफा है, गुफा में धुनी है। अचरज में पड़े लोगों ने जब उस जगह को खोदा तो ऐसा लगा कि जैसे गुफा में धुनी है, किसी ने अभी ही लगाई हो। धुनी के पास चिमटा भी गड़ा हुआ था। पूरन और गांव के लोग हैरान थे कि उन्हें यहाँ पूरा जीवन हो गया और किसी को भी इस गुफा के बारे में पता नहीं था। पत्थरों के नीचे गुफा, धुनी और चिमटा, हवन कुंड की जानकारी किसी साधारण व्यक्ति को तो हो ही नहीं सकती। कम्बल लपेटे ये कोई आम इंसान नहीं है। लोग यही सोच रहे थे कि बाबा बोल पड़े कि हमारे पास कोई चमत्कार नहीं है, चलो अब यहाँ से, यहाँ हनुमान बैठेगा। बाबा ने नदी से पानी मंगवाया और स्थान की शुद्धिकरण किया, साथ ही वहाँ कुटियानुमा जगह बना दी। कुछ दिन बाद बाबा ने पूरन को बताया कि ये सोमवारी बाबा की तपस्थली है, इसका पुनरुद्धार करना है। यही कुटिया आज कैची धाम के रूप में विख्यात है। बोलो नीम करौरी बाबा की जय। बाबा सबका कल्याण करना है प्रभु। बाबा ऐसी नज़र कहाँ से लाऊं कि तुझे याद करूं और तेरा दर्शन हो जाए। जय हो प्रभु।